हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, हमारी परसेंटेज सीरीज चल रही थी। परसेंटेज पढ़ के हम प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के हमने लगभग 5 पार्ट कर लिए हैं। दोस्तों, ये हमारा छठवां पार्ट है और आज हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे एक टाइप के, उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन लेंगे और इस तरह से आज का जो भी हमारा लेसन होगा उसको हम खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर 10% का लाभ है तो विक्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, लेकिन हमें इसका आंसर निकालने के लिए फॉर्मूले ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है और जैसे कि आपको पता है, अभी तक मैंने एक भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों, इसी तरह से पढ़ते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य पर यानी कि CP पर 10% का लाभ है, तो CP पर 10% का लाभ है तो बताना है कि SP पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों, वी हैव अ वेरी सिंपल ट्रिक टू सॉल्व इट। सो व्हाट इज दैट ट्रिक, देखते हैं। तो ट्रिक ये है दोस्तों, CP पर 10 का प्रॉफिट, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, है ना। तो CP पर 10 का प्रॉफिट हुआ यानी कि 1/10, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट, राइट। तो 10 पे 1 का प्रॉफिट मतलब अगर CP 10 था तो SP कितना हो गया, SP हो गया हमारे पास 11, ठीक है। तो 10 पे 1 का प्रॉफिट, अगर CP 10 था, CP क्या था, 10 था, तो 10 पे 1 का प्रॉफिट, तो SP कितना हो गया दोस्तों, SP हो गया हमारे पास 11। और प्रॉफिट कितने का हुआ था, प्रॉफिट 1 का हुआ था। तो 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 11 पे भी 1 का ही प्रॉफिट होगा, तो 11 पे भी 1 का ही प्रॉफिट हुआ, तो 11 हो गया SP। ये बोल रहा है कि SP पर कितना प्रॉफिट होगा, तो 1 ही होगा। तो जितना CP पे, ये ध्यान रखिए आप, ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, जितना CP पे प्रॉफिट होगा उतना ही SP पे होगा। आप समझ जाओगे, हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो 1/11 इज आवर आंसर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/11, ये होता है दोस्तों हमारे पास 9 से ही 1/11, ये हमारा आंसर है, यानी कि SP पर इतना प्रॉफिट हुआ, है ना, मजेदार। दोस्तों, और एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन हमारा, CP पर 20% हानि है तो SP पर क्या होगा। अगर CP पर 20% हानि है तो SP पर क्या होगा, तो CP पर 20% हानि है तो SP पर कितना होगा। तो बस वही बात, फिर वही बात, CP पर 20% हानि है तो क्या करना आपको, यानी कि 1/5, है ना, ये CP हो गया इस बार, क्योंकि 20% हानि है तो 1 का लॉस हो गया। तो CP पे 1 का लॉस हो गया तो SP कितना होगा, 4 हुआ होगा, आप समझ गए। तो SP कितना हुआ होगा, 4 हुआ होगा। तो मैंने क्या कहा था, जितना CP पे लॉस होगा उतना ही SP भी होगा, तो 5 पे 1 का लॉस, है ना, 5 पे 1 का लॉस, तो SP कितना होगा, SP होगा 4, तो 4 पे 1 का लॉस, 1/4, यानी कि 25% का लॉस हुआ। दोस्तों, आप सॉल्यूशन फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ समझा रखा है, वैसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 20% था हमारे पास, तो 1/5 हो गया ऊपर वाला लॉस, नीचे वाला CP, ठीक है। नीचे CP अभी इसलिए है क्योंकि अभी CP पर दे रखा है, CP पर 20%, अगर SP पर दिया होता तो नीचे वाला SP होता, है ना, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर 1/5 आ गया हमारे पास 20% की वैल्यू, और आपको पता ही है SP 4 हो गया तो 4 पे 1 का लॉस, यानी कि 25%। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अब क्या है, अब SP पर 40% का लाभ है, यानी कि अब जो लाभ है वो किस पे है, वो SP पर है। अभी तक किस पे हो रहा था, CP पे हो रहा था, ठीक है। तो 40 का लाभ है, ठीक है। तो 40% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 2/5 होता है। तो अगर आपको अभी तक ये चीज़ें नहीं मालूम है कि 40 का 2/5 कैसे हुआ, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि मैंने 17-18 वीडियो सिर्फ परसेंटेज पे बना रखी हैं। आप सारी वीडियोज़ को देखिए और आपको समझ में आ जाएगी 2/5 कैसे हुआ। इनफैक्ट ये नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो कि बहुत आसान है, मैंने कि बिना कैलकुलेशन के ना, ऐसे ही मतलब देखते ही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो SP पर 40 का लाभ है, तो 40 का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 2/5 होता है। तो SP पर 2 का लाभ, यानी कि 5 में 2 का तो लाभ हुआ उसको, यानी कि टोटल SP कितना हो गया, SP हो गया 5, नीचे वाला हो गया 5, और इसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 2। तो दोस्तों, जब SP में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो CP आएगा ना, तभी तो CP होगा, उसको किस रेट में बेचा होगा तभी तो सब प्रॉफिट भी मिला होगा, तब समझ गए होंगे। तो यानी कि हमें 2 का प्रॉफिट हुआ 5 पे, यानी कि मुझे 5 रुपये मिले, उस 5 रुपये में से 2 रुपये मेरे प्रॉफिट है, तो CP कितना होगा, CP 3 रुपये होगा, सिंपल सी बात है, है ना। आप फॉर्मूले भी लगा सकते हो, CP = SP - प्रॉफिट, ठीक है। तो CP हो गया 3। अब वो कह रहा है CP पे कितना लाभ होगा, तो बस 3 है, तो यहाँ 2 था तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 2 ही होगा, तो ये कितना होगा, 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, फिर से वही बात होती है, मैंने कहा था 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33% होती है। तो 2/3 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इसको
टू से इंटू कर दो, यहाँ भी टू से इंटू कर दोगे तो बस कितना आ गया दोस्तों 66.66% प्रॉफिट होगा अगर सीपी में, सीपी में इतना प्रॉफिट होगा, किसमें होगा सीपी में, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसी तरह का। फिर एसपी पर 25% की हानि हो तो, ठीक है, हानि हो तो सीपी पर कितनी हानि होगी। फिर से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैं जानबूझ के एक दिन में एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर। और आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपने दोबारा प्रैक्टिस करनी है अलग अलग जगह से, ठीक है। फिर मुझे बताइए कि इस तरह का क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आप कराइए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप बताइए, मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा। तो एसपी पर 25% की हानि हो तो सीपी पर कितना होगा, तो बस 25 मतलब 1/4, तो 4 में 1 की हानि हो रही है, यानी कि एसपी है, मैंने कई चीज़ 4 रुपये में बेचा और उसमें से मेरा 1 रुपये का नुकसान भी हो रहा है, यानी कि मैंने 4 रुपये में बेचा 1 रुपये का नुकसान करके, 4 रुपये में मैंने कोई चीज़ बेची है और उस पर मैंने 1 रुपये का नुकसान किया है, तो इसका मतलब सीपी कितना होगा, सीपी 5 रुपये होगा, क्योंकि एसपी माइनस लॉस, यानी कि हम बोलते हैं ना एसपी जो हमारा फॉर्मूला होता है सीपी का लॉस के केस में क्या होता है, सीपी प्लस लॉस, ये हमारा सॉरी सीपी इक्वल टू होता है एसपी प्लस लॉस, कब, जब लॉस होता है। तो लॉस हमने निकाल दिया, कितना लॉस आया ये दोस्तों, हमने सॉरी सीपी निकाल दिया, हमने सीपी आया 5, ठीक है। अब 5 आया तो जब 4 में 1 लॉस था तो 5 में भी 1 ही लॉस होगा, यानी कि कितना हुआ 20% का लॉस हुआ, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन समझ में आए, आपको 2 क्वेश्चन मैंने एसपी से कराए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको सीपी से कराए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दोबारा से दिया है सो डैट आपका पुराना वाला रिवीजन हो जाए और यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ डिस्काउंट ऑफ 10% गिवन ऑन द MP ऑफ एन आर्टिकल, तो जब किसी मार्केट प्राइस पर किसी आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये हम समझ गए। हम करेंगे 100 माइनस लॉस और 100 प्लस MP कर देंगे, प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है। तो अगर दुकानदार को 20% का प्रॉफिट दे तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट, अच्छा ये प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, ये जो है ना ये डिस्काउंट है, बस आप ये ध्यान रखें, ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों ये डिस्काउंट है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते समय इसको डिस्काउंट बोलिएगा, यहाँ पर गलती से प्रॉफिट प्रिंट हो गया है, ये डिस्काउंट, ठीक है। अब मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अगर दुकानदार को 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट आपको पता है हमेशा एमपी पे दिया जाता है, तो आर्टिकल को दुकानदार को कितना 20% का प्रॉफिट होता है, 10% अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो उसको 20% प्रॉफिट होता है। अब दुकानदार क्या कर रहा है, जितने में उसने लिया है उस रुपये में भी वो क्या कर रहा है, उस रुपये में भी वो 20% का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि दुकानदार को जितने का पड़ेगा मार्केट प्राइस उतने भी दुकानदार क्या कर रहा है, उसको 20% और उसमें डिस्काउंट दे रहा है, तो ये बताना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, चलो नहीं आया तो फिर एक बार मैं बाद में फिर समझाऊंगा, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर है सीपी और यहाँ पर है एमपी, जैसे कि मैंने आपको समझाया सीपी क्या होता है 100 माइनस लॉस होता है और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट होता है। मैंने आपको इनका रेशियो बताया कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, ये हमने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो पुराने क्वेश्चन देखिए, शायद ये पहली या दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस की उसमें मैंने ये समझाया हुआ है जब मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया था, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे 90 कैसे हुआ, ये 20 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर लॉस को माइनस कर दिया, यहाँ पर लॉस को प्लस कर दिया 100 में से, ठीक है। नहीं पता पुरानी वीडियो देखिए, हर दिन तो मैं आपको बेसिक नहीं समझा सकता। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया 3/4, ये हो गया 3:4। अब 3:4 को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपकी मर्जी होती है दोस्तों, जब भी कोई रेशियो होता ना तो आप अपनी सहूलियत से उसको कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी मतलब जैसे मैंने यहां पर 100 से इंटू कर दिया, यहां भी 100 से इंटू कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 300:400, ठीक है। अब दोस्तों ये तो होगी दुकानदार की बात, यानी कि दुकानदार ने जो डिस्काउंट और प्रॉफिट मिला के ये हुआ था। अब दोस्तों दुकानदार को कितना का प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो रहा था पहले, तो इसका मतलब वो 300 की चीज़ ला के 400 में बेच रहा था, आप ये समझ गए कि इतना मैं ला रहा था और 400 में बेच रहा था, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो दुकानदार है वो कह रहा है इस 400 में भी 20% उसने कम करना है, इस 400 में भी क्या करना है, 20% कम करना है, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है कि जितने में उसको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से क्या करना है, उसने 20, देखो कम कहाँ से करेगा दोस्तों, कम हमेशा कहाँ से करेगा, मार्केट प्राइस से करेगा कम, ठीक है ना। तो अभी 400 है, इस 400 में से उसको 20% कम करना है, तो फिर से बात आ गई, 400 का 1% कितना होता है 40, तो
10% 40 तो 20% कितना होगा 80 हो गया, तो ठीक है। तो 400 में से 80 कर दिया माइनस, 400 में से 80 कर दिया माइनस, तो कितना आया दोस्तों, ये आ गया 320। ठीक है, 320 यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो तो लाया तो 300 में ही था, लेकिन अब उसको वो पहले 400 में बेच रहा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं 20% डिस्काउंट कर देता हूँ, तो उसने 20% और कम कर दिया। तो अब दोस्तों सिनेरियो क्या बना, अब वो 300 रुपये की चीज़ जो है वो 320 में बेचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300 में 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस हो गया हमारा काम, हमारा काम हो गया है 300 में 20 का प्रॉफिट हो रहा है। आप समझ गए होंगे, 300 में 20 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इसको परसेंटेज से निकाल दोगे तो ये कट गया, तो कितना है दोस्तों, 20/3, और 20/3 की वैल्यू होती है 6/2/3 हो सकती है, या 6.66% हो सकता है, और ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप दोबारा से क्वेश्चन देखिए, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है दोस्तों ये क्या है, ये डिस्काउंट है। आई एम रियली सॉरी फॉर इट, यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आर्टिकल को 1060 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 1060 रुपये में बेचने पर क्या होता है, दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है। ठीक है, जो कि उसी वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। ओके, तो अगर उस वस्तु को 950 में बेचता, दो केस हैं, यानी कि एक बार उसने उस वस्तु को बेचा 950 में, एक बार उसको बेचा उसने 1060 में। अब बोलता है कि 1060 में जब बेचता है ना, तो उसमें 20% अधिक लाभ होता है, तो 20% ज़्यादा लाभ होता है किसके मुकाबले, 950 के मुकाबले। तो बताना है कि उसके कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा, कितने में उसने वाकई में खरीदा होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको फिर भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, वैसे तो मैंने सॉल्व किया, लेकिन मैं आपको फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोस्तों देखो, तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पर, आप रखिए अपना पहले नुकसान कितने में हो रहा था, यहाँ पर आपको रखना है सीपी, और यहाँ पर रखना है उसको प्रॉफिट में कितना हो। दोस्तों पहले वो ले रहा था 950 रुपये में, ठीक है, और यहाँ पर रखना आपको सीपी, और अब कितने में ले रहा है, अब ले रहा है दोस्तों 1060 में, समझ गया। अब क्या करना है, वो कह रहा है कि इधर उसको 20 का नुकसान हो रहा था, लेकिन यहाँ तो पता नहीं कितना नुकसान था, लेकिन यहाँ उसको इधर से इधर आने में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% कितना होता है दोस्तों, 1/5 होता है, यानी कि उसको अगर यहाँ से यहाँ तक 5 का लॉस हो रहा होगा, तो इसमें उसका 20% ऐड हो गया, तो यहाँ 20% का फ़ायदा हो रहा है ना उसको, तो इसका मतलब 20% का मतलब 1/5, तो 5 में 1 का फ़ायदा हो रहा है उसको, समझ के, यहाँ से यहाँ उसको 5 में 1 का फ़ायदा हो रहा है, या आप समझ रहे होंगे अगर आपने मेरी परसेंटेज सीरीज शुरू से पढ़ रहे होंगे। तो 5 में 1 का फ़ायदा हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया 6, और पहले कितना और था, 5 हो रहा था, तो आप ये समझ गए होंगे, है ना, बिल्कुल। अब आप यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ 950 था, ये सीपी था, और ये इतना था, तो मैंने क्या कहा, आपने 20% का मतलब होता है 1/5, तो अगर यहाँ 5 का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसको 20% बाद में और प्रॉफिट हुआ, तो अब कितना हो रहा है, 6 का हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ अगर उसको 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 6 का हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या, अब समझते हैं, अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, इनके बीच डिफरेंस है कितना, 110 का, 110 का डिफरेंस है, लेकिन वैसे डिफरेंस कितना है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, यहाँ पर 5 था यहाँ 6 है, तो वैसे डिफरेंस कितना है, 11 है। तो 11 रेशियो किसके बराबर हुआ, 11 रेशियो हुआ 1/10 के बराबर। अभी आप वही देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आप इनटू देन मत देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको 11 रेशियो हुआ 1/10 के बराबर, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो हो जाएगा 10 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कितना रेशियो था, 5 रेशियो था ना, तो 5 रेशियो को 10 से इंटू कर दिया, यहाँ 6 रेशियो था, तो 6 को 10 से इंटू कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर 50 की वैल्यू है और यहाँ पर 60 की वैल्यू है। तो अब हमें सीपी निकालने के लिए दो काम करने हैं, या तो हम 950 में 50 ऐड कर दें, या 1060 में 60 माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे तो इतना आएगा, क्योंकि ये तो एमपी था, और यहाँ से प्लस करेंगे तो इसी इतना आएगा, ठीक है। तो दोस्तों दोनों केस में कितना आएगा, हमने दोनों केस को सॉल्व कर रखा है, दोनों केस में देखो यहाँ पर भी 1000 आया और यहाँ पर भी 1000 आया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, ठीक है, भैया आपको क्वेश्चन बहुत आसान से तब समझ में आया होगा अगर आपको परसेंटेज का बेसिक मालूम है, नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिए, मैं हूँ ना, बस आप कमेंट कीजिए, मैं कराऊंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को बेहतरीन समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती थी, उससे दो गुना लाभ उस वस्तु को 900 में बेचने पर होती है। अगर अब उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे तो एसपी क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एसपी की बात कर रहा है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों फिर वही कहानी, पहले वाली की तरह कहानी, हमने क्या कहा था, पहले 450 में बेच रहे हैं, फिर 900 में बेच रहे हैं, तो दो गुना का प्रॉफिट हो रहा है, तो दो गुना, यानी कि पहले अगर एक का प्रॉफिट होगा तो यहाँ दो का हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बेच रहे हैं 900 में और यहाँ बेच रहे हैं कितने,
450 में, बीच में क्या हमारा सीपी है, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है दोस्तों, ये हमारे पास डिफरेंस 450, तो एक्चुअल में 450 है और वैसे कितना है 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 450, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू हो गई 450, तो 1 की वैल्यू होगी 150, तो 1 रेशियो की वैल्यू 150, तो 1 रेशियो को 150 से इंटू कर दिया, 2 रेशियो को भी 150 से इंटू कर दिया, क्योंकि उसने कहा था यहाँ पर प्रॉफिट डबल हो गया यहाँ से, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, 20% बढ़ गया था, तो 5 का 6 हो गया था, लेकिन यहाँ डबल हो गया तो 1 का 2 हो गया। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 150 तो निकाल ही दिया था, तो 150 से इंटू कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर आ गई दोस्तों 150 आ गई, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया दोस्तों 300। अब मेरे पास क्या निकालना है, हमें निकालना है तो अगर उस वस्तु पर 20% के लाभ में बेचे तो एसपी क्या होगा। ओके, तो दोस्तों पहले तो हम सीपी निकाल देते हैं, ठीक है, सीपी निकाल देते हैं। तो यहाँ हमें सीपी क्या है, इसको ऐड कर दो, या 900 में से 300 माइनस कर दो, तो सीपी कितना आएगा, सीपी आएगा 600, ठीक है। तो हमारा सीपी जो आ गया है दोस्तों, वो आ गया, सीपी आ गया हमारा 600 रुपये, ठीक है। कैसे है? आपको पता है, या तो 450 में 150 ऐड कर दो, या 900 में 200 300 रुपये को माइनस कर दो, ठीक है। तो दोस्तों पहले सीपी निकालना है, ठीक है, सीपी हो गया 600, प्रॉफिट कितना हुआ, वो कह रहा है 20% का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ 20% का। बाद में जब निकालने के बाद उसने फिर से कहा कि 20% का उस वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो आपको पता है 20% का प्रॉफिट, वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर सीपी दोस्तों 600 है तो इसमें 20% और ऐड कर दोगे तो 10% हुआ 60, और 20% कितना हो गया, वो हो गया 120, यानी कि टोटल आंसर 720 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है ऐसा तो फिर और ट्रिक है, तो मैंने कहा था सीपी 5 है और प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो जाएगा 6, तो ठीक है, एसपी हो जाएगा 6, ठीक है। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 600, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 720, यानी कि 600, यानी कि एक रेशियो निकाल देंगे यहाँ से 120 और इसको इंटू कर देंगे 6 से, तो आएगा 720। दोस्तों बहुत आसान है, अगर आपको बहुत सिंपल तरीके से ही आप इसको कर सकते हो, बस अगर आप मेरी वीडियोज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो। देखो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप बीच में घुस जाओ और आपको आ जाए। कल किसी का कमेंट आया था वीडियो में, वो कह रहा था कि सर समझ में नहीं आया, दोस्त समझ में आएगा अगर आप वीडियो को, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप परसेंटेज की वीडियो को शुरू से देखें तब समझ में नहीं आता, फिर आप मुझसे बोलोगे समझ में नहीं आया, मैं वीडियो ही बनाना छोड़ दूंगा इस टॉपिक पे, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बेहतरीन 7 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।